हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में, जो न्यू वैकेंसी निकली है 2022 की। आरपीएफ रिक्रूटमेंट पोस्ट एंड वैकेंसीज कितनी पोस्ट के लिए निकली है। जो पोस्ट हैं टोटल वो हैं 15,000 मेल एंड फीमेल की लिए। जो इसमें है, जो कॉन्स्टेबल की है वो है 12,000 और सब इंस्पेक्टर की है 3,000। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो कैंडिडेट है जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी 18 से 25 तक होनी चाहिए, और जो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी 20 से 25 ईयर्स का होना चाहिए। वो जो एससी एसटी को बिलोंग करते हैं उन्हें 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, और जो ओबीसी को करते हैं उनकी 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एज में। ये चार्ट है सब इंस्पेक्टर के फिजिकल मेजरमेंट का और उनकी जो टेस्ट होगा फिजिकल टेस्ट उसका, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आरपीएफ रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जो कांस्टेबल है उसको 10th पास होना मैंडेटरी है, और जो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। एप्लीकेशन की जो फीस है वो एस सी एस टी के लिए 250 है, अदर्स के लिए अगर आप अपनी इनरोलमेंट कैंसिल करते हो पेपर के लिए तो आपको 400 रुपीज़ रिफंडेबल हैं।